बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेदर न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो सिंध वाले प्यारे साथियों, मौसम के हवाले से अहम और ताज़ा तरीन अपडेट इस वीडियो में शामिल करते चलें कि खलीज बंगाल में एक कोहरावा का कम दबाव तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, मौसमियाती फैक्टर्स की रिपोर्ट मुताबिक खलीज बंगाल में एक और हवा का कम दबाव तैयार हो रहा है जो आगे बढ़कर साइक्लोन की सूरत अख्तियार कर सकता है। तो दोस्तों, क्या ये सिंध में आएगा, इसका रुख सिंध होगा? तो दोस्तों, क्या सिंध में बारिशें होगी इसकी? तो मौसम की मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है, वीडियो को आकर तक देखें। आप सबसे छोटी सी गुजारिश करता हूं, बराए मेहरबानी करके मेरे YouTube चैनल वेदर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, मौसमियाती फैक्टर्स की रिपोर्ट मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव 15 से 16 अक्टूबर के दौरान ये मुकम्मल तौर पर मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर ये तैयार हो जाएगा और 18 से 19 अक्टूबर के दौरान ये अपना रास्ता पकड़ेगा। तो दोस्तों, रास्ता पकड़ने से पहले ये साइक्लोन की सूरत अख्तियार कर सकता है। तो दोस्तों, इस साइक्लोन का नाम होगा जवाद। दोस्तों, अभी तक महकमा मौसमियात ने इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं दी, ना ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी तक पता नहीं चला है कि ये सिंध को हिट करेगा या नहीं। अब महकमा मौसमियात और हम यूट्यूबर्स और पूरी सोशल मीडिया जात पड़ताल में हैं और इसका रुख क्या होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट आई तो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।